प्रिय किसान भाइयों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। और बहुत दिनों से हमारा वीडियो YouTube पर अपलोड भी नहीं हुआ है, सो अब कंटिन्यू रहेगा। और अभी हम जो है ओयस्टर मशरूम की खेती जो कि आप जून जुलाई से लेकर के मार्च तक करते हैं, तो इस खेती की शुरुआत हम करते हैं। सो आइए देखते हैं वीडियो में ओयस्टर मशरूम की खेती किस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले इसमें सामग्री चाहिए आपको, पानी जो चाहिए 100 लीटर, भूसा 12 केजी, फॉर्मोलिन 125 ml, बेवेस्टीन 10 ग्राम, स्पॉन 1 केजी, पीपी बैग 14x16 का 10 पीस, रबर 10 पीस। सबसे पहले हम 200 लीटर का ड्राम लेंगे, उसमें हम 100 लीटर पानी डालेंगे। तो पानी मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें 10 ग्राम बेवेस्टीन पानी में डालना है हमें। इसको अच्छी तरह से हम घोल लेंगे। उसके बाद फिर 125 ml फॉर्मोलिन, और एक काम आपको और करना है, फॉर्मोलिन दे करके आपको रुकना नहीं है। फॉर्मोलिन देने के बाद आप तुरंत घोल तैयार कीजिए और भूसे को डाल देना है, जो हमारा रेशियो 12 केजी का है। तो इस बात पर आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि फॉर्मोलिन डालने के बाद पानी में घोल तैयार कीजिए और भूसा तुरंत डाल दीजिए, क्योंकि ये परफ्यूम बेस पर बना होता है, सो उड़ जाएगा, तो आपका भूसा का स्टरलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा। उसके बाद फिर भूसे को अच्छी तरह से पानी में दबा देना है, ताकि भूसा जो है नीचे की ओर बैठ जाए। हो सके तो एक पत्थर या ईंट प्लास्टिक में डाल करके उस ड्रम में डाल दें और ऊपर से ढक दें। तकरीबन आपको 18 से 20 घंटे तक इसको ढक के रखें, ताकि भूसे का शुद्धिकरण अच्छी तरह हो जाए। ये नुभान है एक कीटनाशक लिक्विड, जिसे हम 1 लीटर पानी में 10 ml डालेंगे। उसके बाद इसको अच्छी तरह मिला लेंगे, और फिर जिस रूम में मुझे बैग को रखना है उस रूम को हम शुद्धिकरण यानी स्टरलाइजेशन करेंगे, ताकि कीटनाशक, मक्खी मच्छर, बरसाती कीटाणु वो सारा मर जाए। स्प्रे करने के बाद हम रूम का खिड़की दरवाजा को अच्छी तरह से बंद कर देंगे, ताकि गैस बने और उस गैस से कीटनाशक खत्म हो जाए। अब 18 घंटे के बाद हम जो भूसे को फूलने के लिए डाले थे उसे निकालेंगे। एक अच्छा सा टोकरी जो जीवाणु रहित हो, साफ सुथरा हो, टोकरी में हम जो मेरा भूसा जो रखा हुआ 18 घंटे पहले को, उसको हम निकाल के टोकरी में रखेंगे। फिर एक ढालदार जगह, हो सके तो आप बांस का फट्टी का उस तरह से जो जुगाड़ है वो बना सकते हैं, और ढालदार जगह में निकाला हुआ भूसा को आप उस पर फैला दीजिए, जिससे आसानी से पानी गिर जाएगा, सूखने में ज्यादा समय लगेगा नहीं। और हर 1 घंटे में भूसा को आपको पलटाई करना है, ताकि जो फॉर्मलिन का महक है वो समाप्त हो जाए। ये प्रक्रिया तकरीबन 6 से 7 बार, तकरीबन आपको 5 से 6 घंटा भूसा को फैला के रखना है, पानी अच्छी तरह से निकल जाए, और ये प्रक्रिया करते रहना है। अब स्पॉनिंग की प्रक्रिया शुरू की जाती है। पहले हम सुखाया हुआ जो भूसा है उसमें हम स्पॉन को, मशरूम के बीज को छिड़काव करेंगे। 1 केजी स्पॉन छिड़कने के बाद उसको हम खिचड़ी जैसा मिक्स करेंगे, ताकि मेरा भूसा और स्पॉन जो है वो मिल जाए। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद पॉली बैग में हमको भराई करना है। उसके लिए पॉली बैग का कोना वाला हिस्सा दोनों साइड से हम काट देंगे, ताकि वो पानी कुछ अब्जॉर्ब भी हो तो गिर निकल जाए। और मिक्स भूसे को, स्पॉन को हम इस पॉलीथीन बैग में डालेंगे। अच्छी तरह से डालने के बाद इसमें हम 10 से 12 होल करेंगे। होल की दूरी 6 से 8 इंच होनी चाहिए, ताकि मशरूम निकलने के बाद आपस में टकराए नहीं। उसके बाद इसमें रबर से हम इसको बंद करेंगे, और जिस रूम में हम स्टरलाइज किए हैं 18-20 घंटे पहले, उस रूम में ले जाकर के बैग को हम रख देंगे।